इस समय बज रहे हैं रात के 12 और हम दोनों निकल रहे हैं, देख सकते हो, बैग और पोटली लेकर। और अपना जाने का कहां पर है तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। वी आर जस्ट गोइंग टू द वृंदावन यानी कि मथुरा, और वहां का सब पूरी सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी फिलहाल कैसा लग रहा है ऋषभ? रिक्शा मिल नहीं रही है, टाइम बज रहे हैं 12, लग रहा है भाई नहीं मिलेगी। भाई मिलेगी ऐसा नहीं है, और नहीं मिलेगी तो किसी रिक्शा वाले को जगा लेंगे यार, ऐसी बात थोड़ी है। हम वैसे भी ठाकुर जी के वहाँ जा रहे हैं, नगरी मिलेगी। आओ इधर आओ, भगत सिंह चौक से मिलती है जहाँ पे हम रहते हैं। देखो हमारे पीछे सारी मार्केट बंद हो चुकी है, कुछ पता लग रहा है पीछे? चलो माथा टेक देंगे मंदिर में। और सन्नाटा बिल्कुल बर्फा हुआ है, ये देखो मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्यों भाई? कली के शहर से हम। हाँ हाँ हाँ, तो चलो मिल गया कोई गाड़ी मिल गई दूर से, मिल रहा है। एक्चुअली क्या है कि 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो स्टेशन पे ना तो अपनी बाइक छोड़ सकते, दैट इज़ सो रिस्की। हेलो हेलो, रिक्शा वाला को आवाज़ मार रहे थे, मे बी वो रुक जाए, नहीं रुकेगा तो देखते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है सहारनपुर और इसे स्टार्ट कर। तो मुझे फिर से आना पड़ा क्योंकि मेरी टी शर्ट जो है वो रह गई थी, और ये बहुत मेन टी शर्ट है क्योंकि हमारे एसआरई ब्लॉक की टी शर्ट है। तो वो फटाफट चलते हैं बाहर। मिल गई भाई, मिल गई। देखो कितना, सबने अपनी लाइटें बंद कर रखी बाजार की। एक तो है बाजार में जिसमें, हाँ किसी किसी ने जैसे इस मार्केट की लाइट जली हुई। हाँ जी ना, हाँ जी। तो चलिए जी, आ चुके हैं हम स्टेशन पे। तो बस ये है। सो हेलो गाइस, अभी स्टेशन पे तो आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है। ये जो ऋषभ है ना जो पीछे बैठा, अभी कुछ दिखाता हूँ आपको। रात के 12:30 बजे भोजन हो रहा है, क्योंकि घर से करके नहीं आया, एक्साइटमेंट में अब लग रही भूख, तो घर से लाया कढ़ी चावल, चलो खाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है, हम आ चुके हैं 40 मिनट्स बिफोर, 40 मिनट है अभी ट्रेन आने में। अब टाइम नहीं पास हो रहा, क्या करें, ऊपर से सर्दी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। अभी देखो इसे दिखाता हूँ क्या कर रहा है। हाँ भाई, क्या खा रहा? कढ़ी चावल। फिर रात के 12:30 बज रहे, तुझे कढ़ी चावल की लग रही? ये ट्रेन हमारी तो नहीं आई? नहीं, ये हमारी नहीं हो सकती। हमारी ट्रेन है छत्तीसगढ़, और इसका नाम क्या है, ये है स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल इसके बाद आएगी। भाई गोल्डन टेम्पल जा रही है, जाना है तुझे इसमें? जाना नहीं, चल तो मैं कढ़ी चावल का टेस्ट पे। तो भाई करते हैं फटाफट से वीडियो बंद, और मिलते हैं आपसे ट्रेन के अंदर या सुबह को। हाँ, सुबह के 7 बजे हम आ ही गए मथुरा, श्री कान्हा जी की नगरी, जहाँ आने से एक बार आने के बाद बार बार आने का मन करता है, जहाँ आने से एक अलग सा सुकून मिलता है। जो यहाँ एक बार आता है उसका मन यहीं रह जाता है। सो फाइनली वी आर बैक अनदर इन मथुरा, ठाकुर जी की नगरी। तो ट्रेन हमारी ये रही पीछे, अब फ्रेश होते हैं यहाँ पर ही रेस्ट रूम में, देन उसके बाद पहुँचते हैं, मिलते हैं आपको अगले स्पॉट पर। सो फाइनली
स्टेशन पे जो रेस्ट रूम होता है वहाँ पे रेडी हो चुके हैं, यू कैन सी। और अब जो है ठाकुर जी की जन्मभूमि यानी कि मथुरा जन्मभूमि पर आपको लिए चलते हैं, वहाँ पे दर्शन कराते हैं। वैसे वहाँ पर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, बट बाहर से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकेगी वो बताएंगे। तो बन रही है हमारे साथ, मिलते हैं आपसे। अभी स्टेशन पर हैं और अब बस यहाँ से कोई भी टैक्सी वगैरह लेते हैं और पहुँचते हैं जन्मभूमि पर। लेट्स गो विद द डिफरेंट लाइफ। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राधे। हम तैयार होकर स्टेशन के रेस्ट रूम में आ गए बाहर, और आप नज़ारा देख सकते हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं और तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने व्हीकल्स का अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए। लेकिन हमारी मंजिल है ठाकुर जी, ठाकुर जी की नगरी, जहां हम आपको कवर कराने वाले हैं गोकुल, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन और अनेक ऐसे प्लेसेस जहाँ पर ठाकुर जी ने यानी कि हमारे बाके बिहारी ने लीलाएं की हैं। हम स्टेशन से बाहर निकले और हमें लेना था एक टेम्पू यानी कि एक टैक्सी। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको लूटना चाहेंगे। तो आपको स्टेशन से बाहर निकलकर थोड़ा आगे आकर 10 या 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोई टेम्पू या टैक्सी कर लेना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं देना है। हमने भी लगभग 15 से 20 मिनट भटकने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद एक टेम्पू ले ही लिया। और वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने लिए हमसे 20 रुपये प्रति व्यक्ति। तो हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर, और हमारी मंजिल थी ठाकुर जी की जन्मभूमि, जो स्टेशन से बहुत नज़दीक पड़ती है। ये 4 से 5 किलोमीटर के दायरे पर पड़ती है। यहाँ पर जाने के लिए एक व्यक्ति का 20 रुपये लगता है। जन्मभूमि पर जाने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जन्मभूमि पर जाते समय आप ध्यान रखें कि वहाँ पहुँचने पर आपको मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अपना बैग और अपना वॉलेट और बेल्ट, ये सब आपको वहाँ पर संग्रहालय या पहले जो बने हुए होते हैं स्पॉट्स, वहाँ पर जमा कराना होता है। जब आप वहाँ पर उसे जमा करा दें, उसके बाद आप जाएंगे। तो क्योंकि मंदिर में कुछ विवादित कुछ चीज़ें हैं, जिस कारण से बहुत समय से वहाँ पर पुलिस का तैनाती रहती है और वो आपको जाने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। फिलहाल आप नज़ारा देखिएगा, क्या नज़ारा है। मतलब मैं मंद मुक्त हो जाता है जब हम आते हैं ठाकुर जी की नगरी। वैसे मैं कई बार आ चुका हूँ, और हमारे जो ये चलाते हैं सीधा आ चुके हैं हम। देखिए कुछ ही देर में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और कुछ ही दूरी पर यानी कि लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर आपको मंदिर मिलेगा जो आपकी जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि में जाते समय आपको कुछ दुकानें दिखाई देंगी, यहाँ से आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे घर के लिए कोई चीज़ ले सकते हैं, नाश्ता पानी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ की जब आएँ तो चाय और यहाँ की जो खस्ता और यहाँ पे जो बेड़ई होती है उसको ज़रूर टेस्ट करें। हम आपको कराने वाले हैं, हमारे साथ बने रहना। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये नज़ारे आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अभी आप नज़ारा देखिए, ये सारा वो धाम है जहाँ पर जन्म हुआ। कहते हैं इमारतें बिल्डिंगें बदलती रहती हैं, लेकिन जगह वो पवित्र वही है जहाँ पे ठाकुर जी का जन्म हुआ। इस मंदिर के अंदर वो जेल भी है जहाँ पे ठाकुर जी का जन्म हुआ, हम आपको अभी दिखाएंगे, जो शायद यूट्यूब पर कहीं नहीं है। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं उस जगह जहाँ पे हम अपना सामान जो मैंने आपको बताया जमा कराएंगे। ये है मुख्य द्वार मंदिर का, जहाँ से आप एंट्री करोगे। और काफ़ी बड़े एरिया में, लगभग एकड़ के एरिया में फैला हुआ ये मंदिर है। और ये देखिए, आप एक बार दर्शन करा देते हैं, क्या बात है। फ्रंट से एक बार देखने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है। और वैसे यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लेकिन हम जिस दिन आए अपनी प्लानिंग के साथ, तो हमें यहाँ पर, आप सैटरडे और संडे को मत आइए, क्योंकि उस समय यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ रहती है। भाई मेरे पीछे तो देखिए, यहाँ पर बैग वगैरह जमा होते हैं, तो आपको अंदर ना तो बैग अलाउ है, ना मोबाइल अलाउ है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ईयरपोड वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। आपको यहाँ रखना पड़ेगा, जिसका चार्जेस 2 रुपये या 5 रुपये होता है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जमा होते हैं बैग, और यहाँ पर जमा होते हैं, सामने देख सकते हैं क्लोक रूम लिखा हुआ है, वहाँ पर जमा होते हैं फ़ोन। बंदरों से सावधान रहे, देख सकते हैं बंदरों का आतंक यहाँ बहुत।
इसी में मिला दे। मंदिर में आकर वर्जित सामान को जमा कराकर अब हम करा रहे हैं यहाँ पर अपना तिलक। जी आप देख सकते हैं चंदन का तिलक, जो तिलक लगवाने के बाद ठंडक सी महसूस देती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो तिलक लगाने के लिए आपके पास आएंगे। आप उन्हें अपने मन चाहे कुछ भी रुपए दे सकते हैं, जैसे 5 या 10 रुपए। तो अभी मैंने लगाया तिलक, अब है ऋषभ की बारी। ऋषभ ने भी, ये हमारे एडिटर और कैमरामैन सर, तो ये लगा रहे हैं तिलक रोली का और चंदन का। वो जन्म स्थान, वो मंदिर जो आपको दिखाने वाले, मंदिर के अंदर ही मस्जिद भी है जो औरंगजेब ने बनवाई थी। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर कंस के समय से ही 16 जेल हुआ करती थी, जिनमें से अब एक ही जेल है जिसके दर्शन आप करिए। ये जेल के दर्शन आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे कहीं भी सोशल मीडिया पर। और यहीं पर ही हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था। और वैसे तो ये बदल गई है, लेकिन कहा जाता है कि जगह वही है, इमारतें बदल जाती है। तो आप करिए दर्शन, उसके बाद हम आपको आगे के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो सुकून मिलता है, आने के बाद माथा जरूर टेके और एक बार वो फील करें जो यहाँ पर करना चाहिए। तो मंदिर के बाहर हम आ चुके हैं दर्शन करके जेल स्थान के। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ से पूजा सामग्री और खिलौने वगैरह मिलते हैं। तो इन सभी में से आप अपनी इच्छा से खरीद सकते हैं। रेट यहाँ पर बाहर से ज़्यादा महंगा होता है। तो अब हम बाहर भी आ चुके हैं, कुछ खाना है क्योंकि हम सुबह से कुछ नहीं खाया और हम सीधे दर्शन करने के बाद आए हैं यहाँ की फेमस। तो अभी गाइज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं हूँ इस समय वृंदावन से पहले मथुरा की जन्मभूमि, जहाँ पर ठाकुर जी का जन्म हुआ था। मेरे पीछे दुकान देख रहे हो, आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ के कुछ स्पेशल फूड्स। तो पहला फूड है यहाँ पर कचौड़ी और बेड़ई। बेड़ई कहते हैं, आपको पता होगा बेड़ई कहते हैं यहाँ पर किसको, खस्ता को। और कचौड़ी कहते हैं यहाँ पर पूरी को। और साथ में यहाँ की स्पेशल चाय जो कि आपको मिलेगी डोले में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में। चलो मेरे साथ चलते हैं। चलो भैया तो अभी खा के दिखाते हैं। इसमें अगर मैं देखूँ, इसको ये बेड़ा ही बोलते हैं। इसके अंदर डली है अजवैन, कुछ मसाला डला हुआ है, ये देखो दाल वगैरह का मसाला डला हुआ है। और अब यहाँ पे सब्जी में देख सकते हैं, 2-3 सब्जी मिक्स है। हमारे यहाँ पर थोड़ा अलग होता है यहाँ पर, और इसमें आलू गोभी की सब्जी भी, आलू सब मिक्स कर दिए। एक तो भूख लग रही है ऊपर से, ठाकुर जी की नगरी है भाई, टेस्ट तो होगा ही होगा, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी पूरी बेड़ई ठंडी है, लेकिन सब्जी अच्छी बन रही है, बेटर देन बेड़ई। तो अब आई खस्ता की बारी। ये यहाँ का खस्ता है, इसके अंदर भी सेम वही दाल होती है, मसाले होते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल वगैरह होती है, सब्जी भी वही यूज़ करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, चलो टेस्ट करके बताते हैं। अभी हमने बेड़ई तो ले ली है, बेड़ई के बाद आ गए हैं चाय पीने। तो भैया की चाय देखो कितनी टेस्टी बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं। चलो चाय बन रही है, तो अभी बन रही है चाय पीते हैं। 10 रुपये की चाय है, बहुत ही बढ़िया है। देखो चाय बनाते हुए देखो भैया को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चाय बन रही है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो चाय है वो कुल्लड़ में मिलती है, कुल्लड़ में। और देखो जरा कितनी अच्छी बनाते हैं। बन गई भैया हमारी चाय? चलिए, तो ये कुल्लड़ होते हैं छोटे छोटे, उसमें चाय बनती है। अभी जस्ट आने वाली है तो आपको दिखाते हैं। जी पीने से पहले खुशबू आ रही है बढ़िया बढ़िया चाय की। वाह
पी रहे हैं ये भी। थोड़ी चाय, बढ़िया चाय देख सकते हो, बड़ी क्यूट सी लग रही है ना छोटी सी, लेकिन यार मैं दीवाना हूँ यहाँ की चाय का, एक नंबर की चाय होती है। चाय तो मुझे अपने घर की बढ़िया लगती है या मुझे मथुरा की बढ़िया लगती है। दुकान ही जा रहा है, गरम गरम पीने का मन हो रहा है। तो बांके बिहारी की जन्म स्थली का दर्शन करके हम जा रहे हैं अब वृंदावन की ओर, यानी कि बांके बिहारी के उस स्थान पे जहाँ पे वो स्वयं प्रकट है। तो बस उसके लिए हमने यहाँ पर रिक्शा लेनी है, और रिक्शा लेके 20 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है, जिसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे लगभग 20 से 30 रुपये प्रति व्यक्ति। उसके लिए आपको अलग अलग थ्री व्हीलर मिलेंगे, तो हमने एक थ्री व्हीलर को रोका है। आइए चलते हैं बांके बिहारी के दरबार में, और हमारे साथ सेकंड एपिसोड में आप बने रहिएगा। तो बस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ चुका है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारी आज की ये पॉडकास्ट वीडियो, ये टूर जो मथुरा का पहला एपिसोड था। अभी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने परिवार में फैलाइए। थैंक यू।